हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड वेलकम बैक टू टैक शिवम। सो गाइस, क्या आप लोग एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, एक लो बजट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, एक क्लासिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसा 5G स्मार्टफोन यानी कि Honor X10, क्योंकि अभी इंडिया में लॉन्च होना बाकी है। ये स्मार्टफोन वाइस हाल ही में चाइना में लॉन्च हुआ है और इसे इंडिया में लॉन्च करना अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि इंडिया में इसके स्पेसिफिकेशन के क्या होंगे, इसकी रेट क्या होगी और ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, ताकि आपको ये स्मार्टफोन खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इसके स्पेसिफिकेशन आसानी से जान सकें, आप अपना पैसा एक सही जगह इन्वेस्ट कर सकें और आपका आपके लिए एक स्मार्टफोन बेहतरीन ले सकें। तो वैसे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन में आपको 3D ग्लासी पैक डिज़ाइन देखने को मिलती है। और बॉडी की बात करें तो बॉडी आपको इसमें मिलने वाली है वाटर स्प्लैश प्रूफ बॉडी, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन इसमें देखने को मिलेगी गाइस। सो गाइस, परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है 5G परफॉर्मेंस के साथ, किसी रिकॉर्ड ग्रीन के 820G ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, इसमें आपको बिल्कुल भी आपकी गेमिंग लैगिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ तक आपका यहाँ पहुँच जाएगा, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इसमें काफ़ी शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दोस्तों, आप इसमें अपना पबजी मोबाइल, पबजी लाइट, GTA 5, GTA मोबाइल गेम इसमें आप आसानी से खेल सकते हो। आपको इसमें बिल्कुल भी लैगिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है दोस्तों। सो दोस्तों, डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, इसमें तो आपको मिलने वाली 6.63 इंचेस की TFT LCD मल्टी टच कैपेसिटिव टच स्क्रीन देखने को मिलने वाली, काफ़ी स्मूथिंग स्क्रीन है गाइस। और अब बात कर लेते हैं स्टोरेज एंड कलर की, तो आपको इसमें मिलने वाला है स्टोरेज 64GB का इंटरनल स्टोरेज, आपको 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड लगाकर। कलर्स की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है पहला कलर सिल्वर, दूसरा आपको ब्लैक और तीसरा ब्लू और फोर्थ कलर आपको ऑरेंज मिलने वाला है। कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, आपके लिए स्मार्टफोन के साथ साथ इसमें कैमरा सेटअप भी बेहतरीन है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ जिसमें आपको मिलने वाला है 40 MP का प्राइमरी कैमरा विद एंड 1.8 अपचर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा वो 8 MP वाइड एंगल कैमरा या अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 2.4 अपचर के साथ। 2 MP का आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है 2.4 अपचर के साथ विद एंड LED फ्लैश लाइट। और दोस्तों, आप बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा, तो इसमें मिल जाता है 16 MP का पॉप अप सेल्फी कैमरा विद एन स्क्रीन प्रेजेंट 2.2 अपचर के साथ। सो दोस्तों, बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलने वाली है 22.5 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग या क्विक चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4300 mAh की बैटरी। आपकी बैटरी लाइफ इस मोबाइल में काफ़ी लॉन्ग लाइफ होने वाली है, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस लंबे समय तक चलने वाला है, कंटिन्यू आप इसको चला सकते हो, तो आपके लिए मस्त होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस फिजिकल सिक्योरिटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो आपको इसमें मिलने वाली है गाइस फिजिकल साइड फिंगरप्रिंट विद की लॉक बटन, उसी से आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा और वही आपका फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा। और दोस्तों, इसमें आपको मिलने वाली है डुअल 4G नैनो हाइब्रिड सिम स्लॉट, एक सिम में आप 5G कनेक्ट नेटवर्क चला सकते हो और सेकंड सिम में आप 4G चला सकते हो। मेमोरी वेरिएंट्स की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाले हैं 3 मेमोरी वेरिएंट, जिसमें आपको 6GB रैम 64GB रोम के साथ मिलने वाला है। और दोस्तों, इसकी प्राइस की बात करें तो 20,000 रुपये के आप आसपास मिलेगा। और दोस्तों, सेकेंड वेरियंट 6GB रैम और 128GB रोम के साथ और मिलने वाला है, इसकी प्राइस होने वाली 23,000 रुपीज़। और थर्ड वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB प्लस 128GB रोम के साथ और इसकी प्राइस इंडिया में 25,000 रुपीज़ होने वाली है। सो गाइस, फाइनली अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में कब तक लॉन्च होगा ये Honor X10 जो 5G स्मार्टफोन है, इंडिया में कब तक लॉन्च होगा। तो दोस्तों, इसे इंडिया में लगभग जुलाई के लास्ट मंथ में यानी ये लगभग 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी कोई कन्फर्म डेट तो अभी आई नहीं है, एक्सपेक्टेड मानी जा रही है कि 31 जुलाई तक इंडिया में लॉन्च होगा। सो गाइस, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको करना क्या है, वीडियो करना है लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, चलिए इस वीडियो से, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। एंड गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए।